जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की वीडियो है बेहद खास उन सभी महिलाओं के लिए जिनको 2 महीने या 4 महीने के दिन चढ़ते हैं, गर्भवती होती हैं और उनका संतान फिट नहीं रहता, वो गर्भपात उनका हो जाता है। तो कुछ ये नियम अपनाएंगे तो महादेव की कृपा रही तो निश्चित ही हम सुखद अनुभव की प्राप्त होंगे। छोटा सा उपाय है, जरूर कीजिएगा उसे। हमें एक नारियल के द्वारा इस उपाय को करना है और बहुत लोग इसके अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। महाराज जी अपने प्रवचन के द्वारा बता रहे हैं। सबने अकवन के जड़ का भी उपाय किया और बहुत सारी निसंतान माता पिता इस सुख को प्राप्त हुए हैं। एक छोटा सा उपाय और करें जिससे कि वो आपका बच्चा स्वस्थ हो। तो करना क्या है, महाराज जी भी अपने आवाज़ में बता रहे हैं, वो आप ध्यान से सुने और सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज भी हमारे यहाँ शंकर भगवान का प्रमाण है, जिस नारी के गर्भ गिर जाता हो, जिस नारी के संतान नहीं हो पा रही हो, जिस नारी को बच्चे नहीं होते हों, या बार बार गर्भ गिर रहा हो, या डॉक्टर कह दिया कि नाल में बच्चा लपका हुआ है, कुछ मत करो, एक श्रीफल उस पर एक वस्त्र लपेट कर भगवान शंकर को उस नारी का नाम और गोत्र लेकर समर्पित कर दो, आखा की आखा उस नारी का जापा आराम से होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से हम नारियल शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर अपने आने वाले संतान की रक्षा कर सकते हैं तथा सावधानी से गर्भ धारण कर सकते हैं। उसी पर चलते हैं कि दूसरा उपाय ये है कि इस उपाय को करने के बाद जब संतान रहता है, यानी प्रेग्नेंट जब हो जाते हैं, तब हमें किस उपाय को करना चाहिए जिससे कि हमारा संतान सुरक्षित रहे। तो एक हमें अभी जैसे हम लोगों ने अभी देव दीपावली पर मनाया पर्व, जैसे यहाँ पे हम पानी का बर्तन रखते हैं मटका, तो वहाँ पर हमें एक घी का दीपक जलाना है थोड़े से पास में, और घी का दीपक जलाकर हमें सोमक ऋषि का नाम लेना है और सोमक ऋषि के नाम से उस दीप को प्रज्वलित कर उस दीप की कालिख निकालनी है, यानी जैसे कि हम काजल बनाते हैं उस तरीके से हमें काजल बनाना है। काजल बनाने के बाद उस काजल को जैसे हम रात को पूरा, उसमें ये भी ध्यान रखें कि उस दीपक में हमें पूरा घी भर देना है और लंबी बाती के दीप लगाकर उसमें हमें कालिख निकालनी है। अगले दिन सुबह उस काजल से जो गर्भवती स्त्री हैं उनको अपने पेट पर, अपने उदर पर, यानी पेट के नीचे वाले हिस्से पर, उदर पर एक काला टीका लगा लेना है। इसे आपकी संतान निश्चिंत सुरक्षित धरती पर आएगा और नॉर्मल डिलीवरी भी होगी। यह सोमक ऋषि महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं, जो इंद्र आदि देवताओं के भाई भी हैं। पुराण के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इनका निवास होता है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है तथा जड़ चेतन माया सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितर ही करते हैं। जिनके पितर संतुष्ट होते हैं उन्हीं के घर में धन धान और पुत्र आदि धन की प्राप्ति होती है। इसके इनके प्रसन्न होने पर ही पितरों की तृप्ति भी होती है। आप ये 2 उपाय करें और आप देखिएगा कि बहुत ही जल्दी आप संतान को प्राप्त होंगे। महादेव की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक दे विदा मुझे। मैं शिवप्रजा, श्री कृष्ण राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।